उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक साड़ी की दुकान के बाहर आम का ठेला लगाने को लेकर दुकान मालिक और ठेला दुकानदार में झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। ठेला दुकानदार का आरोप है कि उसे सरिया से जमकर पीटा गया। घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर जिले के बालावाली गांव सहित कई जगहों में खनन माफिया धिलड़ले से अवैध खनन के काले कारोबार को कर रहे हैं। जिले का खनन माफिया सुमित चौधरी पर किसानों ने प्रशासन और खनन विभाग की मिली भगत से मिट्टी का डंपर और जेसीबी मशीन से अवैध खनन करने का आरोप लगाया है और डीएम बिजनौर को पत्र देकर अपने खेत से मिट्टी उठाने की परमिशन रद्द करने की गुहार लगाई है। झांसी के होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में इंस्पेक्टर की पिटाई से आहत होकर कुक ने सुसाइड कर लिया। केंद्र के दो इंस्पेक्टर प्रशिक्षण ले रहे थे, होमगार्डों से वसूली कर रहे थे, जिसका उसने विरोध किया। इस पर दोनों इंस्पेक्टर ने कमरे में बंद कर उनको पीटा। दीवार फांदकर कुक मंडलीय कमांडेंट के पास पहुंचा और उसने इसकी शिकायत की। इसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। परिजन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने होमगार्ड के दोनों इंस्पेक्टर सुभाष और लक्ष्मी शंकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। बलरामपुर पुलिस के स्वार टीम व महाराजगंज थाना पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए न केवल 13 अदद गोवंशों को बरामद किया है बल्कि इनकी बिक्री के लिए इन्हें ले जा रहे 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। हरदोई में श्रावण मास को लेकर पुलिस ने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया है। एएसपी ने बताया कि 268 पुलिस और होमगार्डों के जवान लगाए गए हैं और कई स्थानों पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। महोबा में अधिवक्ता के घर हुई चोरी की शिकायत लेकर पहुंचे वकीलों के साथ कोतवाली में मौजूद सिपाही ने अभद्रता कर दी, जिससे भड़के अधिवक्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया। वकीलों ने नारेबाजी कर सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है। सिपाही द्वारा अभद्रता किए जाने से वकील खासे आक्रोशित दिखाई दिए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल का सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। गोरखपुर के कैंपियरनगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सीएम योगी और अमित शाह को पत्र लिखकर जान का खतरा बताया है। वहीं दूसरे पक्ष जिस पर विधायक ने आरोप लगाया है वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, उसने इस आरोप को निराधार बताया है। मेरठ में एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के मुताबिक जब युवक घर का राशन लेने गया था तभी कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद घायल युवक को अस्पताल में ले जाया गया जहाँ 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। यूपी के पीलीभीत जनपद के थाना सुनगढ़ी इलाके के स्टेशन रोड पर स्थित पीडी सिंह हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। महाराजगंज में एंटी करप्शन टीम ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात बाबू को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जालौन के गोहन में प्रसव पीड़ा होने पर एम्बुलेंस न मिलने के कारण महिला ने अपने ही घर में 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया। बता दें आपातकालीन सेवा 102 और 108 पर कई बार सूचना दी गई, बावजूद इसके 3 घंटे तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों ने समय पर एम्बुलेंस सेवा न मिलने का आरोप लगाया है। श्रावस्ती के गिलोला क्षेत्र में एक पखवाड़ा पूर्व हुए कथित पेशाब कांड में ब्राह्मणों युवकों पर दर्ज मुकदमे के विरोध में ब्राह्मण समाज नेताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और ब्राह्मण युवकों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए एडीएम अमेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान लगने वाले सड़क किनारे अस्थायी दुकानों के मालिकों और उनके काम करने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। आगामी 2026 में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजरथ यात्रा को लेकर मध्य मार्ग में यात्रा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के जनप्रतिनिधियों ने खंड विकास अधिकारी नारायण बगड़ के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन प्रेषित कर मध्य मार्ग पर उचित व्यवस्था करने की मांग की है। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने आज देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य से भेंट कर देवभूमि उत्तराखंड में दिव्यांग खिलाड़ियों को सामान्य खिलाड़ियों की भांति सुविधाएं प्रदान करने की मांग के लिए पत्र प्रेषित किया है।